पूरे संसार में कोरोना वायरस के फैलने और भारतवर्ष में इसके परिणामों को देखते हुए शैक्षणिक संस्थानों, कॉलेजों और यूनिवर्सिटीज में अवकाश घोषित कर दिए हैं। वहीं सेज विश्वविद्यालय के विद्यार्थियों को ई लर्निंग क्लासेस, सोशल मीडिया जैसे कई माध्यमों के द्वारा सभी विभागों के प्राध्यापकों द्वारा स्मार्ट क्लासेस का उपयोग कर कोर्स करिकुलम, सकारात्मकता एवं कौशल विकास सिखा रहे हैं। प्राध्यापकगण विद्यार्थियों से लगातार संपर्क में रहकर व्यवस्थित टाइम टेबल के अनुसार क्लासेस का अरेंजमेंट कर रहे हैं ताकि विद्यार्थियों के अमूल्य समय का सदुपयोग हो सके और वे भविष्य की हर चुनौती को स्वीकार कर सशक्त बन सके। सेज विश्वविद्यालय के चांसलर इंजीनियर संजीव अग्रवाल ने बताया कि हम चाहते हैं कि विद्यार्थियों के अध्ययन अध्यापन कार्य प्रभावित ना हो। विद्यार्थियों के अध्ययन में मदद और कोर्स करिकुलम को पूरा करने के लिए सेज विश्वविद्यालय ने ऑनलाइन एजुकेशन, सोशल मीडिया एवं अन्य एजुकेशन ऐप के माध्यम से ई लर्निंग एजुकेशन, ऑनलाइन असाइनमेंट, अटेंडेंस व अन्य महत्वपूर्ण जानकारियां सहित प्राध्यापक गण एवं एक्सपर्ट्स विद्यार्थियों से लेक्चर एवं स्टडी मटेरियल साझा कर रहे हैं। इससे विद्यार्थियों को उपयोगी सिलेबस एवं प्रोजेक्ट पूरा करने और शिक्षण में सहायता प्राप्त हो रही है। इन सुविधाओं और एजुकेशन की नई मेथड्स को स्टूडेंट्स भी अडॉप्ट कर रहे हैं। एग्रीकल्चर, मैनेजमेंट साइंसेस और जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन विभागों के विद्यार्थी टीचर्स को धन्यवाद दे रहे हैं। देखिए हमारी ये खास पेशकश। Due to the coronavirus outbreak, our classes have been delayed. We, as the students, understand our responsibility towards our academics and are willing to study from home. Online classes बहुत ज़्यादा ही अच्छी थी और मैं टीचर्स को इसके लिए थैंक यू बोलना चाहूँगा एंड आई होप कि हमें ऑनलाइन क्लासेस आगे भी प्रोवाइड की जाएंगी। आई हैव मेड दिस वीडियो टू थैंक ऑल माय टीचर्स एंड माय एचओडी सर हु हैव बीन प्रोवाइडिंग अस विद रेगुलर लेक्चर, ऑनलाइन लेक्चर्स एंड नोट्स एंड ऑल द असाइनमेंट्स सो दैट वी आर नॉट एट एनी काइंड ऑफ एकेडमिक लॉस बिकॉज ऑफ द कोरोना वायरस आउटब्रेक। नाउ द डेज क्लासेस आर बीइंग कंडक्टिंग ऑन द रेगुलर बेसिस। Teachers are teaching so good that it doesn't even feel like sitting at home and studying. By staying at home, we are able to continue our regular studies through live lectures. Moreover, faculty provides us notes and assignments too,